बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम हियर विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो, दैट इज़ अबाउट द रिफ्लेक्स सेक्शन। इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो, जस्ट अ डेफिनेशन टाइप वीडियो, जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में मैं आज डिस्क्राइब करूँगी फ्रॉम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर, फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी ऑफ 10th। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आपकी बेसिकली इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री की डेफिनेशंस आ जाती हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन की आ जाती है, रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन आ जाती है, और रिफ्लेक्स एक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल आपकी आ जाती है। ठीक है, आई होप कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी दैन प्लीज़ डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू क्लिक ऑन द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि आपको मेरी रिसेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग व्यू कर दिए करें और उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बटन पे ज़रूर दबाया करें। थैंक यू सो मच। वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स अवर रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, जब एक रिस्पॉन्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि एक रिस्पॉन्स शो होना होता है, हमारा जो है फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आगे ग्लैंड्स और मसल की तरफ रिस्पॉन्स शो करना होता है, आगे फॉरवर्ड मैसेज करना होता है। वहाँ से हमारे दो डिवीजन्स हो जाती हैं, दो हमें टाइप्स मिल जाती हैं। ठीक है, हमें दो वेज मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है वॉलेंट्री। ठीक है, तो हमारा क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में, एक होता है वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलंट्री कंट्रोल जो होता है वो आपका हायर अथॉरिटीज़, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन वहाँ तक मैसेजेस जाते हैं और आपका वो क्या हो जाता है, आपका वॉलंट्री कंट्रोल। फॉर एग्जांपल मैंने सोचना है कि जी मैंने खाना खाना है, तो मेरा ब्रेन फ़ौरन से परसीव करेगा और आई विल स्टार्ट ईटिंग। फॉर एग्जांपल मेरा दिल कर रहा है कि मैं लिखूँ कुछ, तो मैं क्या, मेरा दिमाग में ये चीज़ आई है, तो हायर सेंटर ऑफ ब्रेन इज़ वर्किंग ऑन इट, तो मैं लिखना स्टार्ट कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल विलिंगनेस। जो आपका विलिंग एक्ट होता है वो आपका वॉलंट्री कंट्रोल होता है, दैट इज़ कंट्रोल बाय द हार्ट सेंटर ऑफ योर ब्रेन। ठीक हो गया। उसके बाद आपके आ जाते हैं इनवॉलंट्री कंट्रोल। इनवॉलंट्री कंट्रोल ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल गया, इन का मतलब होता है इनवॉलंट्री मीन्स अदर देन वॉलंट्री। ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, और ये CNS जो है वो आपका इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसके अंदर इनवॉलंट्री के अंदर, इफ़ द वॉलंट्री इम्पल्सिस आर, इफ़ द इम्पल्सिस आर नॉट पास्ड टू द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, तो वो क्या हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली CNS की तरफ फॉरवर्ड हो जाती हैं और वो क्विक रिस्पॉन्स शो करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक के सोचने तक के प्रोसेस का रुकना, इतने तक आपका कोई डैमेज हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो वो चीज़ भी नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो क्या होता है, CNS फ़ौरन से क्विक रिस्पॉन्स देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। CNS जो क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, क्विक रिस्पॉन्स शोन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट फॉर्म्स रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बनता है? रिफ्लेक्स एक्शन इससे बन जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होता है, इनवॉलंट्री आपके कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मेरे हार्ट बीट फ़ौरन से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तेज़ हो जाती है बाय लुकिंग समथिंग वेरी डेंजरस और हॉरिबल चीज़ देख के मैं फ़ौरन से क्या हो जाती हूँ, मेरे पीपल डायलेट हो जाते हैं, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो क्या होता है, तो वो फ़ौरन से एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। सो ये नहीं कि मैं सोचती रहूँ, अच्छा मैं अब इसको मैं देख रही हूँ, मैंने इसका रिस्पॉन्स शो करना है, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रॉट अबाउट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स लेके आता है, उसको हम पढ़ते हैं एज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन को पाथवे, द पाथवे फॉलोड बाय द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कर रही होती है, नर्व इम्पल्स जो पाथवे बना रही होती हैं, ट्रैक बना रही होती हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन को मोटिवेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स टू फॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम रिफ्लेक्स आर्क पढ़ते हैं। तो ये जो था हमारा
रिफ्लेक्स एक्शन था, मींस के जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, हायर अथॉरिटीज़ ऑफ द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, वो कौन कंट्रोल करता है? CNS क्विक रिस्पॉन्स देता है, उस क्विक रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, और जो पाथवे फॉलो कर रहा होता है जिसमें नर्व इम्पल्स मूव कर रही होती है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क पढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इट. एग्जाम्पल ऐसे थी कि अगर हम किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल टच करते हैं तो क्या होगा. हम टच कर रहे हैं तो हमारे रिसेप्टर से एक इम्पल्स निकलेगी, दैट विल मूव फ्रॉम रिसेप्टर टू द रिसेप्टर की तरफ आएगी, रिसेप्टर से आगे जाएगी सेंसरी की तरफ, सेंसरी आगे से फॉरवर्ड करेंगे इंटर की तरफ, इंटर न्यूरॉन्स की तरफ, और इंटर आगे उसको मोटर की तरफ करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स आगे इफेक्टर्स को करेंगे फॉरवर्ड, और उस इफेक्टर का क्या होगा, ग्लैंड्स एंड मसल्स जो हैं हमारे रिस्पॉन्स शो करेंगे, और आप हाथ अपना पीछे की तरफ हटा लोगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टचिंग सम हॉट ऑब्जेक्ट, देन वॉट हैपन्स, ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग. रिसेप्टर्स आगे मैसेज पहुँचाएंगे टू सेंसरी, सेंसरी के दरमियान इंटर जो होगा वो कनेक्शन का रोल प्ले करेगा, कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करेगा, देन मोटर, मोटर इफेक्टर्स की तरफ देखे जाएगा जो ग्लैंड और मसल को परस्यू करेंगे, उनको आगे क्या करेंगे, आप हैंड पीछे कर लेंगे उस ऑब्जेक्ट से जो कि गर्म है आपको लग रहा है, तो दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज रिफ्लेक्स सेक्शन. So that was a small topic about the reflex action, reflex arc, voluntary and involuntary action. Thank you so much for watching my video. Do subscribe my channel, do like my videos and share it to the contacts as much as you can. Thank you so much.